मम्मी कहती ये काम स्कूल वालों का है, घर वालों का नहीं। नहीं रोज लिखी भाई जुड़ दो तैयार करो तो तुझे क्या करना है। लो लो कैप्चर करो ये। ये मेरा लड्डू है, लड्डू कौन है ये? दादी का है? दादी का मुझे तो कर अच्छा स्माइल वाला। शिवन्ना की फेवरेट प्लेस टांगों में जाकर लिपट जाती है। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे और ठीक ठाक ही होना भी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे कल से फिर से फीवर हो रहा है, पता नहीं क्यों। वायरल आया था, चला गया था, बट ये दोबारा आ रहा है। कल से मतलब कल सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल भी फीवर हो गया था और टैबलेट्स भी खाई कल, डोलो वगैरह फीवर के लिए। अभी दोबारा से आज सुबह सुबह फिर फीवर हो गया। और बस यार घर पे मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उनकी। उनको वीकनेस हो रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब शी कांट मूव प्रॉपर, थोड़ा सा चल रहा है, उनको सांस चढ़ रहा है। और अभी मैं भी नहीं जा रही क्योंकि अभी बुखार की वजह से, वायरल की वजह से मम्मा की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो वायरल झेल पाएंगे। सो इसी वजह से दीदी उनको भी मना कि आप भी मत आओ और हम लोग भी नहीं, अभी मैं तो नहीं जाऊंगी बिकॉज अपनी बहुत बुरी हालत है एंड आई डोंट वांट कि ये ट्रांसफ़र करूं मैं वहां पे जाके। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, सच में इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। ब्लॉग का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा बनाने का, बट बना रही हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 1 बज गया, मैं जा रही हूँ यहाँ पे शिवन्या को लेने और तबीयत थोड़ी सी बेटर है बिकॉज मेडिसिन खाई थी तो अभी फीवर उतर गया मेरा, बट भी ठीक है। थोड़ा सा हिल चले गए, उनको थोड़ा सा काम था अर्जेंट, तो अभी शायद पापा घर जाएंगे और इसी बहाने देख भी आएंगे मम्मी को और साथ में मेरेगा लंच आप भी ले जाओ क्योंकि साहिल तो निकलना था, तो साहिल तो वेट कर रहे थे। फिर मैंने ही उनको बोला, मैंने कहा आप चले जाओ, आप ऐसे ही मतलब वेट कर रहे क्योंकि उस टाइम सब्जी नहीं बनी हुई थी। तो मैंने कहा पापा ने, मम्मी ने ही बोला, मैं कहती हमने जाना ही तो हम चले जाएंगे वहां पे। मैंने कहा ठीक है आप दे आना। तो अभी शिवन्या को देखो, उसने फिर पूछा मम्मा आप क्या लाए हो? और मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी उसके लिए आज भी। फिर उसने चिड़चिड़ करना है, मम्मा आप क्या लाए हो, मम्मा आप क्या लाए हो। शिवन्या को लेकर आ गई और शिवन्या ना इस टाइम पूरी रेडी होके बैठी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मुंह सीधा कर, अच्छा स्माइल वाला। मम्मा क्या करनी तुमने, क्या देखना, ये देखना है ये वाला, पे कोई भी नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है ना छोटू साहिल है, मैं पिकू और छोटू ही हम तीनों में से। बस मैं पीने लगी हूँ अपनी ग्रीन टी, सोच रही थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाओ। शिवन्या को मैंने अभी सुलाया, वो खाना वाना खा के सो गई है, तो बस मैं अपनी ग्रीन टी पीऊंगी, साथ में अपना लाइव एंजॉय करूंगी। और आज मेरा एक पार्सल भी आया था, वो भी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी, देखते हैं क्या है। याद नहीं है मुझे, शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसीलिए याद नहीं। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती ना तो मुझे वेट होता, हाँ ये मेरी चीज़ें आनी है ये वो, बट मुझे याद ही नहीं है कि मैंने मंगवाया कि एक्चुअली बहुत से पार्सल्स मंगवाए होते हैं ना, तो फिर इतना पता है कि ये पर्पल से आया, मेकअप का ही सामान है। तो लेट्स गो, ये बिकू सोया हुआ इधर भाई, ये आया है मेरा पर्पल से सामान, देखते हैं इसमें क्या है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पार्सल आता है ना मेरा, रोज ही आते हैं वैसे तो, आई जस्ट लव इट। पैकेजिंग ऐसी हो रही है जैसे बोलो हीरे ज्वारात भेजे हैं लोगों। मैं देखो अपने नेल्स की हेल्प से ना टेप काट, चलो देखते हैं पहली चीज क्या निकली है इसमें।
पहले तो बिल निकला हुआ है। अच्छा लगा सिर्फ यही भेजे। तो पहली चीज है फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था और कल था। नॉट बैड। ये है फेसेस कनाडा का लूज पाउडर, सॉरी कॉम्पैक्ट। फाइनली ये है इसका फेसेस कनाडा का, बहुत ही अच्छा पाउडर है। आई होप सो। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है बट इट्स क्वाइट गुड आई थिंक सो। यस ओ माय गॉड। Oh God, it's good. Loved it. कैमरा ऑन था, पीछे से कोई गाना चल पड़ा था। वो दूसरा जो मैंने मंगवाया है NYB का वाइट काज, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है यार। मतलब इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है ना इसकी, मैं नहीं बता सकती। अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। वैसे मैंने बहुत बार यूज किया, ये मेरा तीसरा या चौथा है आई थिंक, पर पता है कोई मेरा खत्म नहीं होता है। उसके बाद मैंने मंगवाई है ओके NYB की ये ड्यू ड्रॉप फाउंडेशन है, बहुत अच्छी है और मतलब बहुत ही अच्छी है ये। मैंने ना ये भी रिपीट की है। उसके बाद मेरा ये फेवरेट स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, बहुत 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 अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। यस उसके बाद अनदर वन वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन .NK की, बहुत अच्छी है ये, मैंने बहुत बार यूज की है और ये भी मेरा रिपीटेशन ही है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं रिपीट कर रही हूँ सिवाय इसके, दिस इज कनाडा। बस आई एम हैप्पी, मेरा आ गया मेकअप का सामान। और ये खाली ये जो भेजते हो ना कर तुमसे, तो पैकेजिंग ऐसी होती है इनकी जैसे वो पता नहीं हीरे जवाहरात भेजे हैं। अच्छे पार्सल, अच्छा यार। अरे समझदार, तो मैंने अभी मंगवाया, मेरा खत्म हो गया था, मैंने मंगवाया था पर वो मैंने मंगवा लिया। चलो यार अभी ये सोई हुई है, मैं अपना काम खत्म करती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शिवन्या ने ना जिद पकड़ी हुई थी मैंने फ्रूटी पीनी है, तो फ्रूटी के लिए तो मैं इसको नहीं दे रही हूँ। फिर इसको पत्याना था ना थोड़ा सा, तो मैंने कहा तुम आइसक्रीम खा लो, फ्रूटी नहीं है। मान गया बच्चा मेरा। इतनी ठंडी है, देखना धुआं निकल रहा है, देखना। ये मेरा लड्डू है, लड्डू कौन है ये? जाओ फिर, जाओ मेरे पास नहीं आना, जाओ ना, जाओ दादू का लड्डू है, दादू पास जाओ, जाओ जाओ। पानी मिलो, इतनी जल्दी प्यास लग गई, इतनी जल्दी प्यास लग गई, इतनी जल्दी तेरे को प्यास लगी, इधर आ तू।
वाइटी करो, वाइटी करो, वाइटी करो। साहिल आ गए। बनने के लिए बॉटल भी लाया, बॉटल दूध। चलो देखना क्या बन रही है मेरी। हेलो हेलो, क्या हाल? कुकी वाटर बॉटल है, क्ले भी लाए हो? वेरी नाइस, फाइनली भाई शिवन्या के लिए क्ले आ गई, मॉडलिंग क्ले। ये टूल्स है, इसमें बस खुश हो जाएगी अभी जब ये करेगी ना, ये फर्स्ट टाइम ये इसका एक्सपीरियंस करेगी, फर्स्ट टाइम। और ओ माय गॉड, ये क्या है आपके हाथ? पिकू चूहा? ये नहीं, ये चूहा थोड़ी ना, ये तो पिकाचू है। ये क्या है, कितना सुंदर है ये, नहीं लाइट वाला? अच्छा लाइट वाला ही है। ये मस्त है यार वाटर बॉटल इसकी। स्कूल जाके तो मैचिंग है नहीं? हाँ ऐसे नहीं प्रेस करो। ये 900 की है। क्या हुआ? ऐसे बाकी थी वो शीशे में थी वगैरह, ये फूड ग्रेड ग्रेड नहीं होता है। तो फिर दिखाओ जो फूड ग्रेड। बट ये इसका कवर है, मतलब स्कूल दूसरी बॉटल दिखाना है इसकी, दूध वाली दूसरी बॉटल है। आपके चश्मे पे क्या पड़ा है निशान? बहुत सुंदर है इसकी ना क्वालिटी, बहुत अच्छी है यार, वर्थ इट है। क्या दूध वाली बॉटल जो भैया अभी लाया है, अच्छा। इसकी मीमी की बॉटल, वाओ पिंक कलर, पिक्कू पिंक कलर की बॉटल, ओ माय गॉड। पीना है दूध इसमें? ओके, तो भाई ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे मम्मा हमारा व्लॉग देख रहे थे, मैं ही लाइक, अच्छा लाइक कर दिए मम्मा ने। मौसम हो गया बहुत ज्यादा खराब, बोलूं या अच्छा बोलूं पता नहीं, बट छोटू को मैंने कहा था पानी चढ़ाना, ये देखना इसने छोट चढ़ाया हुआ है, इसमें क्या ही आएगा। इसकी वाटर, ये जो है दूध की बॉटल है ये ना, एक बार मैं गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा कर लूं, क्योंकि नई बॉटल है ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मतलब एकदम से इसको देना, बच्चा है ना। हमारी बात तो उड़ती है, हम तो कर सकते हैं, और बाहर बिजली कड़क रही है, बाप रे। खोलनी है? खोलनी है। आपको क्ले से शेप्स बनानी है? बनानी है। ओके। भैया गई वो दादी दादू के पास, आते ही बिठ रही थी, तब तो जा नहीं रही थी, बट अभी गई है। क्या हुआ? है ये है इसकी क्ले, आ जाओ आ जाओ, पिकू शेप्स बनाएगा। पिकू इसमें हार्ट भी है, जैसे दादी पकड़ोगे गिरना नहीं पीछे। अब पिकू बनाएगा शेप्स। पिकू क्या बनाएगा? छड़ ले आने की चीज है बस, फिर एक कुदा पे दी, दूसरा कुदा पे दी, कोई पर ये संभाल के रखना, हां लबनी है ना। मां के लखने जा है, मेरा फॉलो नहीं है, उसी की तो बनती है। छोटू कैंची लाना बेटा, क्या चीज? हाँ सब वहीं से लिए, तीनों चीजें वहीं से। गुम्मट से? नहीं नहीं, सैनिक कॉलोनी से। 170 रुपए अलग हो जाना चाहता है, पता नहीं कितने पैसे काटे हैं। तमीज से खोलते हैं। 1050 रुपए दिए मैंने उसको टोटल में, बट गुड है यार। इसकी पानी वाली बॉटल, ये और ये। अच्छा इट्स हार्ट, वो बकरी ले गए।
हाँ वो तो यहाँ से आके ली। छोटू एक बॉक्स दो यार, डिब्बा दो ये डालने के रखने के लिए क्ले। देखो देखो कैसे कटिंग है। आपको उसको बताना पड़ेगा इनके क्या क्या पर्पस है। थोड़ निकलेगा वो, क्या कर रहे हो आप? पुल आउट टू थ्री, दो तीन एक साथ निकालो बाहर। व्हाट इज दिस? इट्स अ क्ले। इट्स अ क्ले। क्ले। क्ले टू प्ले। खेलेंगे ठीक है, पर पहले पापा को वो सुनो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे ऐसे। माय नेम इज, पहले पहले सुना दो जल्दी से पापा को। माय नेम इज, आगे इधर इधर देख कर। हैप्पी ऐसा टीचर्स से आवाज आते हैं स्कूल वाले बोलो। पर मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात की। मम्मी कहती ये काम स्कूल वालों का है, घर वालों का नहीं। नहीं रोज लिखिए भाई, दुर्दशा से तैयार करो तो तुझे क्या करना है। लो लो कैप्चर करो ये। हां मम्मा बोलो अपने अंदर की। अरे रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हो आप yes. बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल रहे? जब भी कोई फंक्शन आता है पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को सिखाना है, लेकिन स्कूल जाता है जब बच्चा तो बहुत कुछ सीख के आता है वहाँ, और बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग बातें सीखे, तो टीचर्स की ये ड्यूटी बनती है जो भी नया दिन आ रहा है, कोई हमारा त्योहार आ रहा है उसके बारे में बच्चे को जानकारी दें, बच्चे को प्रिपेयर करें। पेरेंट्स की भी ड्यूटी है लेकिन टीचर्स की ज्यादा है। टीचर्स की ड्यूटी है उनको सिखाना और पेरेंट्स की ड्यूटी है उसके लिए उसे प्रिपेयर करके उसको भेजना है स्कूल में। ओके थैंक यू। इसको हम बनाएंगे हार्ड ठीक है। ये देखो इसको ऐसे रखा, वो गलत हो गया, इसको ऐसे रखा। ये देखो पहले देखो, पहले देखो इसमें फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले देखो ये देखो, इसको इधर रखा, इधर रखा, इसको ये है ना, ये पूरी इसका हार्ड बनाएगी मम्मा। छोड़ो छोड़ो ये, इसको ऐसे वाह मेरे साइंसदान। पता क्या करना है इसको, आहो पिकू व्हाट इज दिस, मुंह में नहीं लगाते, गंदा होता है, इससे सिर्फ खेली खेली करते हैं। चेक कर लिया उसने। और ये साहिल अपने लिए लाए थे ये वाला मतलब घर पहनने के लिए स्लीपर्स। तो बस गाइस ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेहा लोहोत्रा तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से एक लंबा व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, बट एनी विच वे जैसा भी है जिस भी हालत में है मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग आप लोगों के लिए। सो आई होप आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। लव यू ऑल, रब रखा, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।